कपिश आउट ऑफ बॉक्स चैनल। मैं आज दिखाने वाली हूँ डिजिटल वर्नियर कैलिपर। इसको मैंने परचेस किया है, तो अभी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। ये हम साइड में रखते हैं। यह है डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो मेरे पास है, और उसके साथ ये सेल दिया है। अरे, इसका यूज कैसे किया जाता है? इसकी सहायता से किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, आउटर डायमीटर एक्सेट्रा यूज किया जाता है। तो मैं आपको इसके पार्ट के बारे में बताऊंगी। इसके साथ ये सेल भी दिया है, कहाँ पे लगाते वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। डिस्प्ले के ऊपर 3 बटन स्विच दिया है, पावर ऑफ ऑन, mm इंच और 0 सेटिंग। हमें ऑन करने तो हम ऑन बटन को प्रेस करेंगे, ऑफ करने तो ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। इसमें हम इंचेस और mm दोनों को मेजर कर सकते हैं इस डिजिटल वर्नियर कैलिपर में। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंचेस शो हो रहा है। हम ब्लू वाला बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा mm में। देन आप 0 सेटिंग में जब हमको कोई पार्ट्स को मेजर करना है तो पार्ट्स लेके रिसेट करें। इस तरीके से हम mm या इंच दोनों को आसानी से मेजर कर सकते हैं। देन आप ऐसे इस तरह थंब से स्लाइड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप थंब से प्रेस करके सेल निकाल सकते हैं, अगर बैटरी ख़त्म हुई होगी तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बैटरी कैसे लगानी है। जो ये वाला पोर्शन है ये नीचे रहना चाहिए और जो लिखा हुआ है वो ऊपर रहना चाहिए। ये है फिक्सेट, ये है मूवेबल, और ये जो डिप रॉट है, और ये वर्नियर कैलिपर 150 mm और 6 इंच है। अभी मैं पार्ट्स लेती हूँ। मैं फोन स्टैंड का मेजर करती हूँ। ये हम सेल साइड में रखते हैं। मैं इसका लेंथ मेजर करती हूँ। (75.3) है। अभी विथ मेजर करते, (86.2) है। अभी हाइट मेजर करते, 75.9 mm है। हम ये छोटा ढक्कन लेते, इसका डायमीटर मेजर करते, 0.73 इंच है। mm चेक करते, 18.8 mm है। अब हम इस डायमीटर को अंदर से इंटरनल पोर्शन मेजर करते, 15.5 mm है। इंच में देखते, 0.661 है। देन यहाँ से हम डीप चेक करते, इसकी रॉट बाहर निकलते। देखिए कैसे करते, कुछ इस तरीके से फ्लैट सरफेस होना चाहिए। (0.64 इंच है। अभी mm में चेक करते, 15.6 mm है। इस तरीके से हम इनसाइड, आउटसाइड
और डीप पार्ट का मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फोर तरीके हैं वर्नियर में चेक करने के। ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, ये बैक साइड थर्ड पोर्शन, इससे हम डीप चेक कर सकते हैं। एंड जो ये रॉड बाहर निकलते हैं इससे भी हम डीप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे थिकनेस के लिए है। तो आगे ऐसे ही अनबॉक्सिंग के साथ मिलते। थैंक यू।